ये बताओ, किसी भी लिक्विड के फ्री सरफेस को अगर हम बढ़ाएं, फ्री सरफेस को बढ़ाएं, सर फ्री सरफेस को बढ़ाएं, ये क्या होता है? बता रहा हूं, सपोज करो एक ऐसे रिंग पर एक लिक्विड की फिल्म बना दी, अगर रिंग को मैं बड़ा करूंगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, या एक बबल है, बबल बनाया, बबल को और करके बड़ा करा, उसका फ्री सरफेस बढ़ गया, फ्री सरफेस बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, व्हेन द फ्री सरफेस एरिया, व्हेन द फ्री सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड, द सरफेस एनर्जी विल इंक्रीज, देन यू विल हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क। जैसे हमने तुम्हें सिखाया था स्प्रिंग को x खींचा, व्हाट इज द वर्क, कि x स्क्वायर बाय 2, एक मास को m उठाया, व्हाट इज वर्क, mgh। ऐसे तो वैसे भी बोला जाता हूं कि अगर एक लिक्विड का, जो भी लिक्विड है, फॉर एग्जांपल एक लिक्विड का जो फ्री सरफेस है उसके एरिया को बढ़ाया, फ्री सरफेस से मेरा मतलब है कि अगर एक ड्रॉप है, ड्रॉप उसके किसी के उसके ड्रॉप के एरिया को हमने बढ़ाया, या बबल के एरिया को हमने बढ़ाया, या रिंग पे कोई ऐसे फिल्म बनी हुई है उसके एरिया को हमने बढ़ाया, तो बच्चों उससे उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। सरफेस एनर्जी बढ़ेगी तो बोलेंगे हमने क्या किया, वर्क। तो कितना वर्क किया उसका क्या पता होना चाहिए हमें, फॉर्मूला, क्या पता होना चाहिए हमें, फॉर्मूला। लिखो पहले स्टेटमेंट, लिखो फिर ड्राइव करेंगे। When the free surface area of liquid is increased, then the surface energy will increase. Then the surface energy will increase. Work will be done for this. Work has to be done for this. वो derive हम करेंगे. Work has to be done for this. Work होगा. बताएंगे, डिराइव भी करेंगे। बेटा वर्क कितना होगा, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ये कैसे है बताते हैं, देखो अभी सिखाता हूं बढ़िया तरीके से। रुक जाओ, ये ऐसा एक वायर का फ्रेम है, ऐसा एक वायर का क्या है फ्रेम, उस पे एक और वायर जो स्लाइड कर सकता है, उस पे एक और वायर जो क्या कर सकता है, स्लाइड, ये स्लाइड कर सकता है, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको लिक्विड में डिप करूंगा, लिक्विड में डिप करके इसको बाहर निकालूंगा तो एक लिक्विड की क्या बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी। देखो ऐसे दिखेगी वो फिल्म, पतली सी फिल्म बन जाएगी, ऐसे लिक्विड की क्या बन गई, एक फिल्म। अब सपोज करो, अभी सिखा रहे हैं आपको धीरे धीरे करके, इस वायर की लेंथ कितनी है, L। अब मैं बता रहा हूं अगर मैं इस वायर को खींचूंगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, मैं बताऊंगा कि खींचने में मैंने क्या किया है, कुछ वर्क मैं बताऊंगा, अगर मैं इस वायर को खींचूंगा ना तो मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया है, वर्क, आई विल टेल यू कि मैंने क्या किया है, वर्क। और वो वर्क जो आप करोगे वो अल्टीमेटली विल बी द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, और मैं प्रूव करूंगा कि वो वर्क है सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया।
मैं प्रूव करूंगा कि जब मैं इस वायर को खींचता हूं तो मैं क्या करूंगा, वर्क, और वो वर्क होगा सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो कैसे, अब रुक जाना, ये वही वाला वायर है, जस्ट अ सेकेंड, देखो बच्चों ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये वो वायर है अंदर, कितनी लेंथ का बोलो, एल। अब प्लीज सुनिएगा, इस पे ध्यान दो, ये लिक्विड का एक सरफेस, ये लिक्विड का दूसरा सरफेस। यहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वायर से स्टिक कर चुके हैं, यहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वायर से क्या कर चुके हैं, स्टिक कर चुके, चिपक गए हैं यहां पर। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे, ये वाले इधर वाले, ये इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे कि भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो अल्टीमेटली वो फोर्स लग किस पर आए, वायर पे। इसी तरीके से यहां पर भी लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स वायर से क्या कर गए, स्टिक कर गए। यहां पर जो सरफेस है, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे इधर वाले, वो भी कहेंगे कि भाई तुम हमारे पास आ जाओ ना, ताकि हम ऐसे कर लें तो हमारा सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम। ये बताओ वायर की लेंथ कितनी है, एल, वायर की लेंथ एल, सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी है, टी। तो ये जो ऊपर वाला जो सरफेस होगा, यहां पे मॉलिक्यूल्स को फोर्स लगा रहा होगा, टोटल मिला के टी एल, कितना लगा रहा होगा, टी एल। फिर से बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, यहां मॉलिक्यूल से कट गए वायर से, यहां पे जो सरफेस है फ्री सरफेस, वो इन सारे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहा है विद अ फोर्स इक्वल टू टी एल। यहां पर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहे विद अ फोर्स इक्वल टू टी एल। तो बेटा टोटल फोर्स कितना होगा अंदर, टू टी एल। अब यहां देखो, मैं ये बोलना चाहता हूं यहां पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, और ये टोटल मिला के अंदर फोर्स कितना है, 2TL। अब आप आते हो और आप पकड़ के इस वायर को बाहर खींचते हो, तो धीरे धीरे खींचोगे तो आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 2TL। आप धीरे धीरे करके खींचते हो तो आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 2TL। तो अगर आपने इस वायर को यहां खींच दिया ऐसे करके, x खींच दिया फॉर एग्जाम्पल बाहर, तो आपने जो वर्क करा, वो कितना हुआ, 2TLX। आपने क्या करा बोलो, वर्क। अब थोड़ा और ध्यान से देखना, ये बताओ जब इसको x खींचोगे तो यहां एरिया कितना बढ़ेगा, ऊपर lx, नीचे भी कितना बढ़ेगा lx। देखो जब आपने खींचा तो ऊपर कितना एरिया बढ़ा, lx, नीचे भी कितना एरिया बढ़ा, lx। तो टोटल कितना बढ़ गया, 2lx। टोटल कितना बढ़ गया, 2lx। So work done is surface tension into increase in surface area. जब आपने खींचा तो ऊपर से एक तरफ एरिया बढ़ा lx, नीचे से बढ़ा कितना lx, टोटल कितना बढ़ गया, 2lx। लिख लो, इतना लिखो, फिर मैं थ्योरी बताऊंगा। ये पूरा लिक्विड था, हाँ, लिक्विड की एक पतली सी क्या है फिल्म। यहां पर इस वाले वायर पे एक फोर्स ऊपर लगा TL, नीचे भी लगा कितना, TL। तो टोटल 2TL।
लिख लो, थोड़ा थ्योरी लिखेंगे लेकिन। ये समझ में आ गया कि ऊपर का जो देखो यहां पे, ये देखो यहां देखो, हम फिर से चलो समझाएंगे ऐसे करके कोई और तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, सपोज करो यहां लिक्विड भरा हुआ है, यहां ऐसे, यहां लिक्विड है, ठीक है, यहां लिक्विड है, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसे स्टिक कर जाएंगे। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं फ्री सरफेस वाले, वो इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। अगर ये लेंथ एल है तो इस जगह पे टोटल फोर्स कितना आएगा, टी एल, कितना आएगा, टी एल। सपोज ऐसे रखा हुआ है और यहां लिक्विड है, यहां लिक्विड है, यहां मॉलिक्यूल्स लिक्विड के स्टिक कर गए। यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे बाय फोर्स टी इनटू सम लेंथ। तो अल्टीमेटली वो फोर्स लग किस पे रहा है, इस पे लग रहा है, इतना पार्ट क्लियर हुआ जो बताया मैंने।